रक्षाबंधन के अवसर पर सुनते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने पर देव इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार लें। ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने 1 पग में स्वर्ग और 2 पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी 3रा पैर रखना शेष था। बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होगा। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे रख दिया और कहा, 3रा पग आप मेरे सर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग ले। उसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांध अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। इस दिन का यह प्रसंग है। उस दिन भगवान श्रवण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र। येन बधो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वम अभिबध्नामि रक्षे माचल माचल।